नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संकेत, यानी कि रेती जो होती है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, नई फाइल को सबसे पहले मुलायम धातु का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, फ्लैट फाइल के फेसों पर सिंगल डबल कट दांते होते हैं तथा एज पर केवल सिंगल कट दांते होते हैं। तीसरा पॉइंट है, फाइल का साइज उसकी हील से पॉइंट तक के बीच की दूरी से लेते हैं। चौथा पॉइंट है, लकड़ी के फाइल हैंडल को ख़राब होने से बचाने के लिए उस पर एक फेरू लगा दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है, फाइल प्राय टूल स्टील से बनाई जाती है। छठा पॉइंट है, फाइल को उसकी लंबाई, ग्रेड, कट और आकार से स्पेसिफाई करते हैं, जैसे फाइल फ्लैट स्मूथ 200 मिलीमीटर सिंगल कट। सातवां पॉइंट है, फाइल का फॉरवर्ड स्ट्रोक ही कटिंग स्ट्रोक होता है। आगे पढ़िए। नौवां पॉइंट है, फाइल करते समय प्रेशर केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाना चाहिए, रिटर्न स्ट्रोक में फाइल को उठाना नहीं चाहिए, केवल प्रेशर को हटा देना चाहिए। दसवां पॉइंट है, फाइल के स्ट्रोकों की प्रति मिनट संख्या औसतन जो है 40 से 60 होनी चाहिए, स्ट्रोक जो हमारे हैं 40 से 60 होने चाहिए। ग्यारह पॉइंट है, फाइल पर दो संलग्नक दांतों के बीच की दूरी जो है पिच कहलाती है। यदि फाइल पर दांतों का पिच अधिक होगा तो अधिक धातु काट सकते हैं, और यदि पिच कम होगा और दांतों की गहराई भी कम होगी तो इससे हम कम धातु काट सकते हैं और स्मूथ फिनिशिंग की जा सकती है। 12वां पॉइंट है, फाइल की हार्डनेस प्रायः 60 से 64 HRC रखी जाती है। 13वां पॉइंट है, रफ और बास्टर्ड फाइलों के द्वारा रफ फाइलिंग में प्रति स्ट्रोक 0.05 mm से 0.1 mm तक धातु काटी जा सकती है, और फाइलिंग पर एक्यूरेसी जो होती है वो 0.1 mm से 0.2 mm तक होती है। अगला पॉइंट है 14वां, सेकेंड कट और स्मूथ फाइलों के द्वारा फाइन फाइलिंग में प्रति स्ट्रोक 0.02 से 0.06 mm तक धातु काटी जा सकती है, और इसके द्वारा जो फाइलिंग एक्यूरेसी हमारी होती है वो 0.02 mm से 0.05 mm तक होती है। 15वां पॉइंट है, डेड स्मूथ और सुपर स्मूथ फाइलों के द्वारा फाइल फिनिश फाइलिंग में जो प्रति स्ट्रोक 0.01 mm से 0.03 mm धातु काटी जा सकती है, तथा फाइलिंग एक्यूरेसी जो होती है वो 0.005 से 0.01 mm तक होती है। तो सर 16वां पॉइंट है, फाइल के दांते निम्नलिखित विधियों से काटे जा सकते हैं। पहला जो है, फाइल कटिंग मशीन पर स्पेशल चीजल के द्वारा। दूसरा है, मिलिंग मशीन पर मिलिंग कटर के द्वारा। तीसरा है, ग्राइंडिंग मशीन पर स्पेशल ग्राइंडिंग व्हीलों द्वारा। और चौथा है, ब्रोचिंग मशीन पर ब्रोच के द्वारा। अगला दोस्तों देखिए 17वां पॉइंट, अच्छी कटिंग के लिए फाइल पर दांतों में रैकिंगल दिए जाते हैं। तो किस रैकिंगल का कहाँ यूज होता है वो देखेंगे हम। पहला जो है, चीजल द्वारा बनाए गए दांतों पर प्रायः निगेटिव रैक रखा जाता है, और जो कि हमारा 12 से 15 डिग्री तक होता है, -12 से -15 डिग्री तक होता है। और आप ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव रैक दे रखा है। दूसरा इसी में पॉइंट है, ये मिलिंग और ग्राइंडिंग द्वारा बनाए गए दांतों पर पॉजिटिव रैक रखा जाता है, जो कि 2 से 10 डिग्री तक हो सकता है। आप चित्र बी देखिए। और तीसरा जो है, ब्रोचिंग के द्वारा दांत भी बनाए जाते हैं, उसमें नेगेटिव रैक रखा जाता है, वो लगभग -5 डिग्री तक हो सकता है। आप सी फिगर देखिए। 18वां पॉइंट है, नई फाइल को पहले कास्टिंग और फोर्जिंग पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी बाहरी सतह हार्ड होती है। इसी में 19वां पॉइंट है, यदि फाइल की जाने वाली सरफेस पर तेल लगा हो तो फाइल के दांते घिसे हों या उनमें पिनिंग हो तो फाइल जो है जॉब पर स्लिप करेगी,
कि फिसल जाएगी। अगला 20वां पॉइंट है, फाइल के अक्ष के साथ दांतों को एंगल या कर्व में बनाया जाता है जिससे फाइलिंग करते समय जो है चिप्स को अच्छा बहाव मिल सके। 21वां पॉइंट है, डबल कट फाइल के फेस पर दोनों सेटों के दांते अलग अलग एंगल में बनाए जाते हैं। यदि दोनों सेटों के दांते एक ही कोण में बने होंगे तो वे शिल्प बनाते हुए कटिंग करेंगे। 22वां पॉइंट है, सेफ एज फाइल का प्रयोग संलग्न भुजा के बचाव के लिए करते हैं, यानी कि एक सरफेस की फिनिशिंग करनी हो और दूसरी सरफेस जो है पास में सरफेस है उस पर फिनिशिंग नहीं करनी हो, कटिंग नहीं करनी हो, तो वहाँ पे हम सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं। 23वां पॉइंट है, किसी एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश करने के लिए सिंगल कट फाइल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि एल्युमिनियम पर हम जो है सिंगल कट फाइल यूज़ करते हैं। 24वां पॉइंट है, फाइलिंग करते समय रिटर्न स्ट्रोक में प्रेशर को हटा लिया जाता है जिसमें फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और फाइल के दांते जो है घिसने से बच सकते हैं। 25वां पॉइंट है, वर्डिंग फाइल आकार में फ्लैट फाइल की तरह ही होती है परंतु इसकी जो थिकनेस जो होती है कम होती है। अगला पॉइंट है 26वां पॉइंट, बेंच वाइस में जॉब को जो है कोहनी यानी कि एल्बो के बराबर लेवल के बराबर बांधना एक अच्छी पोजीशन है। 27वां है, धातु को व्यवस्थित रूप में रगड़ने के लिए यानी कि काटने के लिए फाइल पर ग्रेड की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन से ग्रेड की फाइल है वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। 28वां पॉइंट है, फाइल का कटिंग प्रभाव कट के प्रकार व दांतों की स्पेसिंग तथा फाइल पर दांतों की व्यवस्था तथा फाइल के साइज और आकार पर निर्भर करता है। 29वां पॉइंट है, फाइल की हुई सरफेस को एमरी क्लॉथ का प्रयोग करके फिनिश किया जा सकता है, इसके लिए इसे लकड़ी के ब्लॉक पर लगाकर या फाइल पर ही लपेट कर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये और ये दोनों इसमें यूज़ किया गया है एमरी क्लॉथ का। 30वां जो है, टेम्पलेट के अनुसार फाइलिंग करने के लिए वर्कपीस को टेम्पलेट के बीच रखकर बेंच वाइस में क्लैंप कर दिया जाता है और इसके बाद टेम्पलेट से बाहर निकले भाग की फाइलिंग कर दी जाती है। आप देख रहे हो इसमें चित्र में दिखाया गया है कि टेम्पलेट के अनुसार ही वर्कपीस की फाइलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। इस 31वां पॉइंट है, पावर फाइलिंग के लिए एक जो है फ्लेक्सिबल शाफ्ट जो फाइल मशीन होती है और स्टेशनरी फाइलिंग मशीन उसका यूज़ करते हैं। जो पावर फाइलिंग मशीनें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबल शाफ्ट फाइलिंग मशीन है और स्टेशनरी शाफ्ट फाइलिंग मशीन है, देखिए आप यहाँ पे इनसे हम फाइलिंग कर रहे हैं। 3200 पॉइंट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि वर्क होल्डर में जॉब को क्लैंप करके फाइलिंग भी कर सकते हैं, इसमें जॉब को फ्रेम में रखकर और फ्रेम के बी को बेंच वाइस में क्लैंप करके जो है फाइलिंग कर सकते हैं। 3200 पॉइंट है, न्यूमेटिक फाइलिंग मशीन का प्रयोग करके भी फाइलिंग की जा सकती है, इसके लिए जॉब को बेंच वाइस से बांधा जाता है और फाइल को जो है मशीन के कॉलेट चक में बांधकर फाइलिंग करते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे जो हमारी मशीन है उसके कॉलेट चक में हमने फाइल को बांधा हुआ है और हम आराम से फाइलिंग कर सकते हैं। 3400 पॉइंट है, फाइल की टैंक सॉफ्ट रखने से उस पर हैंडल को आसानी से फिट कर सकते हैं और वह झटकों को आसानी से सहन कर लेती है। तो दोस्तों ये थे हमारे फाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।